श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रतनमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अपवय से वे अत्यंत उदासित हो रही थी। सब और फैली हुई में अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं की जा सकती थी। सदा शिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जा सकता है। वे नित्य रूपा हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से श्री शिवा कल्याणमयी है। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। वे ही परले काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती है तथा वे समस्त सब जनों भक्तों का संसार सागर से उधार कर देती है। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख ना सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका सत्वन किया। तदनंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अम्बिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतरण हो लोक में रुद्र देव की वल्भा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के साथ तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदनंतर पिता से अनादर पाकर आपने की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और सब धाम में पधार गई। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महाशनि शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतरण हो पुनः रुद्र देव की पत्नी होइए और यथा योग ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्र देव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो और सबका संसारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर विष्णु विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सलता दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली, उमा ने कहा, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन में व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मेना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्र देव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख, जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है तब से वे मेरे स्वामी कालग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में ये विचार उठा रहता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहाँ मेरा अनादर देख मुझसे प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे बार बार घर छोड़ अलौकिक
वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन न कर सके। देवताओं भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मेना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा परिग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मेना की पुत्री हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते ही देखते अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदनंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव।